नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, मैं छोटा सा बगान दिखाता हूं अपने घर के सामने। अगर छोटी सी जगह है, इस तरह से आप क्या शानदार छोटा सा बगान बना सकते हैं। यहाँ पर एक है, उस साइड में एक है, वो भी मैं दिखाता हूँ। पहले ये देख लीजिए आप कैसे लगता है वीडियो, और आपको आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कि छोटा सा बगान आप कैसा दिखता है। दोस्तों, ये इनका का फूल है, और ये देखिए क्या शानदार लग रहा है देखने में। और इधर पिटूनिया देखिए, एक पौधा है, ये देखिए कितना बड़ा, ये सारा पूरा इलाका, ये जो एक पौधा का पिटूनिया देखिए, ये जो कलर है नया कलर का है, ये भी गेंदा की वेराइटी है। कुछ पिटूनिया के कलर दिखाता हूँ, ये एस्टर है, एस्टर भी बहुत शानदार लगते हैं देखने में। देखिए एस्टर कितने सारे फूल खिले हैं, और इधर देखिए पिटूनिया कुछ, और पीछे गेंदा, इधर एक गुलमेंदी खिलने लगा है अभी, और पीछे कुछ डहलिया का पौधा भी हमने लगाए हैं, कुछ एस्टर है, एस्टर का फूल क्या शानदार दिखता है देखिए। और आगे चल के दिखाता हूँ मैं दूसरा जो गार्डन है, वो गार्डन का व्यू आप देख लीजिए, आपको बहुत एंजॉय करेंगे। वो गार्डन का व्यू भी बहुत शानदार है, वो भी आप देखते रहिए। दोस्तों, ये दूसरा बगान का पिटूनिया है, ये मेरे पानी के टैंक के ऊपर मैंने बगान बनाया है। और इधर देखिए ये बिगुनिया, बिगुनिया इस गमले में हमने प्लास्टिक का गमला है, तीन पौधा लगाया, एक लाल वाला है, और इधर देखिए आप सफ़ेद है एक, और एक गुलाबी है, तीन कलर में फूल खिले हैं। और बिगुनिया आपका ऐसा पौधा है, सालों साल चलता रहता है बिगुनिया, इसका फूल भी काफ़ी दिन टिकता है। ये सफ़ेद वाला पिटूनिया है, और बहुत फूल खिलते हैं सफ़ेद में और बेगनिया में, इस दो कलर में पिटूनिया बहुत ज़्यादा ही खिलते हैं, बहुत शानदार। और सदाबहार के पौधे भी हैं, ये देखिए इम्पेशेंस का सफ़ेद फूल, ये पौधा काफ़ी बड़ा होगा और सैकड़ों फूल खिलेंगे एक साथ पिटूनिया के। और भी 10-12 कलर वेराइटी है, कुछ धनिया हमने लगाए हैं, धनिया देखिए दो तरह के धनिया हमने लगाए हैं, और कुछ आपके जो अमरंथस है वो भी है, और कुछ सदाबहार या फिर आपको और भी अपराजिता का पौधे है। और ये देखिए लॉन्टन जवा कहते हैं, ये एक जवा की वेराइटी है, और ये गुड़हल की एक वेराइटी है जो बहुत शानदार दिखती है, ये लॉन्टन की जैसे दिखती है, बहुत शानदार। और ये देखिए इधर पिटूनिया के कुछ पौधे, और पीछे हमने कुछ पपीता के बीज से लगाए थे, डायरेक्ट पपीता के बीज से, जो पके हुए पपीता के बीज है उससे हमने लगा लिए थे, और कुछ पिटूनिया के जिसको बास्केट में हमने लगाए, कुछ गमले में हमने लगाए, मिट्टी के गमले में है, कुछ बास्केट में है। और इसके पिटूनिया के कलर देखिए, बहुत शानदार शानदार कलर हमने सिलेक्ट करके रखा है। कुछ डहलिया के पौधे देखिए, इसमें भी फूल खिल रहे हैं, डहलिया का सीजन है अभी फूल खिलने का। और कुछ गुड़हल, ये जो पौधा है इसमें 5 ग्राफ्ट किए गए पौधे, और इसमें अलग अलग कलर का फूल खिलता है अलग अलग स्टेम में, और वो भी शानदार है। कुछ पिटूनिया आपको मैं दिखा रहा हूँ इधर, बहुत ही शानदार, कुछ एस्टर भी खिल रहे हैं अभी, पिटूनिया खिल रहे हैं, कुछ मिर्ची के पौधे अभी हमने लगाए हैं। और इधर देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ परमानेंट प्लांट है, और कुछ गुलाब भी है, कुछ मिनिएचर रोजेस है, और इधर देखिए मिनिएचर रोज, और कुछ डहलिया का पौधा, और एक एक मिनिएचर रोज में 15-20 भी फूल खिलते हैं एक संग, कुछ गेंदा है, कुछ इधर देखिए गुड़हल की कुछ पौधे, ये लोखी जवा कहते हैं, इसमें बहुत सारे कली आते हैं, हर दिन 3-4 फूल हमको मिल ही जाते हैं एक एक पौधे से। इधर भी एक लोखी जवा है, और इसको गुड़हल की एक वेराइटी है। और इधर देखिए हमने फिर से वो पानी के टैंक के ऊपर हमने जो बगान बनाया है छोटा से, उधर से एक लुक आपको दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए इधर आए हैं अपने, और ये और गुड़हल जिसको हमने लोखी जवा कहते हैं बंगला में, देखिए कितने सारे कलियाँ आती है, और साल भर आपको हर दिन 3-4 फूल आप एक पौधे से मिल जाएंगे, पूजा के लिए बहुत अच्छा रहता है ये आपके लिए। और इधर से मैं और एक बार आपको दिखाता हूँ मैं ये सीन बगान की, और इस तरह का अभी जो है ये करीब मार्च तक खिलेगा इसमें फूल, और हम फरवरी में एंड में फिर से हमने बीज लगा के गर्मियों का जो फूल है वो भी खिलाएंगे। तो इतना आप देखिए ये बगान। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।